लगातार तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारे साथ एक किसान यहाँ पहुँचे, क्या नाम है आपका? दिलबाग सिंह गुराया। कहाँ से आए हो आप? मैं कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या जो लगातार सरकार से वार्तालाप हो रही है उसको कहाँ देखते हो, कितनी उम्मीद है कि आज जो वार्तालाप वो सक्सेस हो पाएगी? हमें तो पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्दी से जल्दी किसानों की मांगे माने और ये जो सड़कों पर बैठा दिए हैं सरकार ने किसान, ये स्वस्थ अपने घर को जल्दी लौटे, हमें तो उम्मीद है। जिस तरह से किसान सिंह बॉर्डर पर डटे हुए हैं, टिगरी बॉर्डर की बात करें या अन्य बॉर्डर की बात करें, लगातार जो राशन है किसान कह रहे हैं 6 महीने का राशन हम लेकर निकले हैं, कहाँ मानते हो इस बात को? बिल्कुल निकले हैं और पीछे से आ ही रहे। वो देखो, किसान जो अन्नदाता है, देश का पेट पालने वाला एक किसान आज सड़क पर बैठा है। किसान तो ये एक चीज़ सोच कर आया कि जेकर हम एक साल गेहूं ना भी लगाएंगे तो भी हमारे पास घर पर पड़ा है, हम लेकर चाहे 6 महीने यहाँ पर बैठने पड़े, सरकार को एक दिन झुकना ही पड़ेगा और जो ये अध्यादेश है ये वापस उनको लेने ही पड़ेंगे। जो भाजपा सरकार ने 3 कृषि कानून बिल पास किए थे वो भाजपा कहती थी कि हम किसानों के हक में लेके आए हैं, आय दोगुनी करेंगे, उसको कहाँ देखते हैं? देखो, जेकर किसानों के हित की बात है, जब किसान ये बिल चाहता ही नहीं है तो सरकार इनके ऊपर थोप क्यों रही है? अपने जो इन्होंने अध्यादेश लिया वो वापस ले और सरकार अपने किसान अपने घर को जाए। आपने भी मिसाल इस आंदोलन में कायम की है, कुरुक्षेत्र से लेकर सिंह बॉर्डर तक किसानों को पानी पिलाया और यहाँ भिजवाया, क्या मानते हैं? देखो, कुरुक्षेत्र से लेकर नहीं, मैं तो चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, जो भी मेरे अम्बाला से पेहवा रोड, सिरसा रोड पर कोई भी इधर को दिल्ली को कूच कर रहा है, हमने हमारा पेट्रोल पंप ओंकार फ्यूल स्टेशन जो गंगेड़ी गांव में पड़ता है अम्बाला से पेहवा रोड पर, हमने 26 तारीख से डीजल फ्री कर रखा है। कोई भी किसान अपना ट्रैक्टर लेकर जाए, किसी भी देश प्रदेश का हो, वहाँ से टैंकी फुल करके दिल्ली तक जो आ रहे हैं, यहाँ तक हमने अपनी तरफ से डीजल फ्री सेवा कर रखी है। ये थे कि एक किसान जिनका कहना है कि डीजल, पानी, सब कुछ फ्री हम दे रहे हैं और इन्होंने एक मिसाल इस आंदोलन में कायम की है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब के सिटी।